दोस्तों आज मैं आपको महाबलीपुरम की सैर कराने ले चलती हूँ। इसका असली नाम है ममल्लापुरम। ये तमिलनाडु में स्थित है। ये एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ पर मंदिर और बहुत सारी ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर आप घूमने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ जाने का मौसम नवंबर से फरवरी के बीच रहता है क्योंकि इन दिनों में मौसम सुहाना होता है, सर्दी नहीं होती, गर्मी नहीं होती। गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी पड़ती है तो आप इन दिनों में यहाँ जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं। एक यहाँ डांस फेस्टिवल होता है जो दिसंबर और जनवरी में होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इन जगहों को। आज मैं आपको महाबलीपुरम की सैर पर ले चलती हूँ। महाबलीपुरम चेन्नई से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई जहाज से जाने के लिए आपको चेन्नई जाना होगा। यहाँ पर अनेकों आकर्षण हैं। महाबलीपुरम में पत्थरों को काटकर बनाई गई चट्टानें, चांदी से चमकते रेतीले तट, वृक्ष, एक चट्टान पर बने नक्काशीदार मंदिर, सभी कुछ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक देखने के लिए आते हैं। हमने भी वहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया। सबसे पहले हम पहुँचे कृष्णाज बटरबॉल। ये है कृष्णाज बटरबॉल। हमारे मन में उत्सुकता थी, ये बटरबॉल कुछ शायद मक्खन का गोला होगा, कुछ बड़ा सा कुछ इस तरह होगा, देखने में मक्खन लगता होगा। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा एक बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर जो टेढ़ा मेढ़ा पत्थर है, शायद मक्खन जैसा ही लगता था, वो टिका हुआ है। अब दर्शकों में होड़ लगी रहती है उसके नीचे बैठने की। हमने उसके लिए सोचा कि हम फोटो खींचें कि वो ऐसा महसूस हो कि हमारे हाथ में है। बस हम सब ने मिलकर एक एक करके ऐसा पोज बनाया कि वो मक्खन का गोला हाथ में लिए हुए दिखाई लग रहा था। बड़ा मजा आया। धीरे धीरे हम उसके बाद डिसेंट ऑफ गैंगेज की तरफ बढ़ गए। डिसेंट ऑफ गैंगेज का मतलब है गंगा अवतरण का स्मारक। यह स्मारक पत्थर पर खुदे हुए महान सुंदर कलाकारी को दिखाता है। इसमें पत्थर पर खोद खोद कर गंगा की उत्पत्ति और देवी देवताओं की बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। हाथी भी ऐसा जीवंत हो उठता है कि देखने लायक है। हम सभी मित्रों ने पांच रथ जाने का कार्यक्रम बनाया है। यह एक प्रसिद्ध स्मारक है। वास्तव में यहाँ पर रथ बने हुए हैं। ये रथ चट्टान के रूप में खुदे हुए मिनी मंदिर है जिसमें पांच पांडवों के रथ कहे जाते हैं। एक रथ द्रौपदी का भी माना जाता है। रथों के नाम हैं धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। इन सभी रथों में भगवानों की मूर्तियां बनी हुई हैं, कहीं विष्णु की, कहीं मुरुगन की, कहीं शिव की। नंदी और हाथी की भी मूर्तियां बहुत सुंदर उकेरी गई हैं। हम सभी को यहाँ खूब फोटो खिंचवाने में बड़ा आनंद आ रहा था। इसके बाद बारी आई शोर टेम्पल। ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है, बहुत सुंदर ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर सुव्यवस्थित रूप से द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्तम उदाहरण है। आज ये शहर महाबलीपुरम यानी कि मामल्लापुरम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा बन चुका है। मंदिर वाला भाग ग्रेनाइट पत्थर से बना है जो देखने में बड़ा ही सुंदर दिखता है। मंदिर के प्रांगण में 7 पगोडा की मूर्तियां हैं, सभी देखने में भारतीय और बहुत सुंदर दिखती हैं। शोर टेम्पल में यानी कि शोर मंदिर में भगवान शिव और भगवान विष्णु का मंदिर है। पौराणिक काल से बना हुआ शिव मंदिर भी शिवलिंग आपको दिखेगा। शोर मंदिर को पल्लव राजाओं ने बनवाया था। इसमें गाय, सांड, दुर्गा और सिंह जैसी अनेक मूर्तियां बहुत ही अद्भुत हैं। महाबलीपुरम से आगे जाते हुए आप इस्कॉन मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। यह चेन्नई के रास्ते में पड़ता है।
खूबसूरत मंदिर पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है।